आज हम हमारे किचन में बना रहे हैं सूजी की मिट्टी रोटी। ये महाराष्ट्र डिश है, इसे भी शीरा पोड़ी भी बोलते हैं। चलो फिर चलते हैं हमारे जस्ट होममेड किचन में। पहले मीठी रोटी बनाने के लिए हमें सूजी का हलवा बनाना पड़ेगा। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दी है, इसमें मैंने पहले एक कप मैंने घी लिया है, हाफ कप इस मेजरमेंट से मैंने सूजी ली हुई है, इसे रवा भी बोलते हैं, और सूजी हाफ कप ही लगेगी। और ये इलायची है, इलायची मैंने 1 टीस्पून ली हुई है, इसे मैंने शक्कर डाल के पीस के रखा हुआ है। सबसे पहले हम घी को पैन में डाल देते हैं, उसके बाद ये जो हाफ कप सूजी है हम इसे पैन में डाल के भून लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो करेंगे। इसे अच्छे से हम ब्राउन होने देते हैं। ब्राउन होने के बाद मैंने दूसरी गैस पर इसमें पानी लिया हुआ है, इसमें मैंने इसी मेजरमेंट से 2 कप पानी, ये 2 कप मतलब हाफ कप का मेजरमेंट है, 2 कप पानी और हाफ कप ये शक्कर, और मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। पानी में हम शक्कर डाल देंगे, जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम इस सूजी में ऐड कर देंगे। ये हमारी सूजी अच्छे से भून गई है। लाल हो गई है, थोड़ी खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा सा और डाल रही हूँ। इसी में थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और अब हम जो मैंने गैस पर पानी चढ़ाया था अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट दिखाने के वक्त मैंने गलती से शक्कर की जगह पर सूजी बता दी थी, अब इसे हम पानी डाल के थोड़ा सा हिला देते हैं। अच्छे से हिला देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को हम चालू रखेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, अब इसे हम इस हलवे को हम ठंडा होने लगा रख देते हैं। और अब हम आटा लगाएंगे। अब रोटी बनाने के लिए हम आटा लगाएंगे। आटे के लिए मैंने 1 कप आटा लिया हुआ है, उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा 1 टीस्पून तेल डालेंगे। अभी आटा हम भून लेते हैं। आटा बहुत सॉफ्ट करना है हमें, अच्छे से भून लेते हैं आटे को। ये देखिए आटा भून लिया है। आटे का डो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसके लिए मुझे 1/2 कप पानी लग गया था, और इसमें अभी थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मैंने आटे की भी लोइयां बना ली है, और जो सूजी का जो हलवा बनाया था उसके भी मैंने बना लिए।
अब इसे हम स्टफ करके बेल लेते हैं। इसको जैसे हम पूरणपोली करते हैं, पूरणपोली में मैदा हम लोग ले लेते हैं, पर मैंने मैदा नहीं लिया है, मैंने यहाँ पर आटा लिया हुआ है ताकि हेल्दी भी बना रहेगा। महाराष्ट्रीय लोग ये जो महाराष्ट्रीय होते हैं वो त्योहारों में ये उनका ये स्वीट डिश बनाते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, देखिए इस तरह से करके हमें सभी को स्टफ कर लेते हैं। मैंने गैस पर तवा चढ़ाया, गैस चालू कर रही हूँ। अब इसको देखिए, ये मैंने सब स्टफ करके रखे हुए, अब इसे हम बेल लेते हैं। देसी घी लगाएंगे, ये देखो बहुत अच्छे से फूल रही है। ये देखो बहुत अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं। ये देखिए हमारी सूजी की मीठी रोटी बन गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।